अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बी स्मार्ट इस सबक का इंग्लिश वर्कशॉप। लेट अस गेट स्टार्टेड। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब विद द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट एंड द गिवन टाइटल। जो हमारा टाइटल है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, यानी कामयाब बनने का फॉर्मूला क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्मार्ट गोल्स। इन्हें डिटेल में आपके लेसन 1.4 बी स्मार्ट में समझाया गया है, जिसका मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में तफसील से तर्जुमा किया गया है, क्योंकि मकसद आपको सवालों का जवाब देना नहीं है, मकसद है आपके अंदर इन चीज़ों का जज्बा पैदा करना, आपको जिंदगी में वाकई स्मार्ट बनाना। अब हम दूसरे कंपोनेंट्स देखते हैं, स्किल यानी महारत, ऐसा मकसद हो जिसमें आपको महारत हासिल हो। विल यानी चाह, ख्वाहिश, ऐसा हदफ जिसे पूरा करने की आपकी अपनी चाहत हो, आपकी अपनी ख्वाहिश के बिना पर अपना हदफ बनाइए, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करें। नेचुरल टैलेंट, फितरी काबिलियत, ऐसा हदफ बनाए जिसे पूरा करने की काबिलियत आपके अंदर कुदरतन मौजूद हो। Pick out examples from the text that support each of the following facts. इबारत से ऐसी मिसालें चुनिए जो नीचे दिए गए हकीकतों की हिमायत करती हों। Goals should be achievable, काबिले हुसूल, यानी ऐसा मकसद तय करें जिसको हम आसानी से हासिल कर सकें। As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. ये जो जुमला है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये इस हकीकत को बयान करता है कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से हम सदर या वजीर आजम तो नहीं बन सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम उस मकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स। मकसद को हासिल करने के लिए एक मुकर्रर वक्त की हद तय होनी जरूरी है। एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए कि हमें इस काम को कितने वक्त के अंदर पूरा करना है। एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। हर मकसद के गिर्द वक्त के पैमाने लगे होने चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि ये मकसद मुझे कितने वक्त में पूरा करना होगा, जो हमारे काम में हमारी तवज्जो और जिम्मेदारी को मरकूज करने में मदद करेगा। यहाँ मिसाल दी गई है, वजन कम करने के लिए हमें पता होता है कि वजन कैसे कम करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कितनी वर्जिश करनी है वगैरह। लेकिन अगर इसे मुसलसल वक्त की पाबंदी के साथ ना किया जाए तो ये हकीकत में नहीं बदल सकता। A specific field or area has to be fixed to achieve goals. मकसद के हसूल के लिए किसी खास शोबे या खास पेशे की एन मुताबिक जानकारी जरूरी है। Answer: The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required? And how long it can stretch? अगर कोई किसी मखसूस पेशे में या किसी मखसूस इलाके में काम कर रहा है और उसके बारे में मुकम्मल जानकारी रखे, तो वो अपने मकसद को ज्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है, जिसकी बदौलत उस मकसद की तरफ एक पैमाना सेट करना और उसके मुताबिक काम करना आसान हो जाता है। इस बात को समझने के लिए मुसर्रिफ ने एक मिसाल दी है। अगर कोई एक इमारत की तामीर कर रहा हो, उसके लिए कितनी जगह की गुंजाइश है और उसे कहां तक खींचा या बढ़ाया जा सकता है, यानी इस इमारत को मुकम्मल तैयार होने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी जगह में ये इमारत बन सकती है, उसे कहां तक और बढ़ाया जा सकता है, इमारत को मुकम्मल बनने में कितना वक्त लगेगा, इसकी तामीर में किन बातों की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। Good results depend upon the quality and quantity of work put in.
अच्छे नतीज का इन्हिसार काम करने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी मयार और मिकदार पर है। मयार यानी किस दर्जे का काम कर रहे हो, ये काम हम कितनी अच्छी तरह और हुनरमंदी से करते हैं, साथ ही साथ इस पर तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, काम कितने वक्त में मुकम्मल कर पाते हो। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। किसी भी काम के लिए हम अपनी जो भी तवानाई लगाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसके मयार और मिकदार का सीधा असर उसके नताइज पर होता है। जिंदगी एक बांसुरी की तरह है, जब तक हम उसमें कुछ डालेंगे नहीं हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह बांसुरी की खूबसूरत धुन सुनने के लिए हमें उसे मुंह से मुसलसल हवा देनी पड़ती है उसे बजाने के लिए, ये एक हुनर होता है, उसके बगैर हम खूबसूरत धुन को नहीं सुन सकते। अ बेंच मार्क इज नीडेड टू ट्रैक प्रोग्रेस, तरक्की का ताकूब करने के लिए एक मयार का तय होना जरूरी है। क्वान्टिफाइंग गोल्स provides specific ways to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position have to be clearly defined. मकसद को हासिल करने के दौरान अगर हम अपनी कोशिशों को नापते चले जाएं या उसकी निशानदेही करते जाएं, तो उसमें और बेहतरी लाना आसान हो जाता है। जैसे यूं भी कहा जा सकता है कि अगर हम ये निशानदेही करें कि हम अपनी मंजिल के कौन से मकाम पर हैं या हम अपना कितना काम मुकम्मल कर चुके हैं और कितना काम बाकी है, तो मंजिल पे पहुंचने की तैयारी करना और आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलते वक्त एक खिलाड़ी को उसके किरदार और उसके मकाम के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अधूरे जुमलों को पूरा कीजिए। Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Smart goals एक सोचने का तरीका है जो लोगों को कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। Two valuable assets of setting goals are a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. हदफ को तय करने के दो कीमती असास हैं, sense of originality यानी एक नई सोच, एक नए सिरे से किसी काम को करने का एहसास, और वो पहला कदम जो आपके कामयाबी की ओर जाने वाले रास्ते को रोशन करता है। रीड दिस कोट, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। इस कॉल को पढ़िए, जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं हम कुछ पाएंगे नहीं। गेस द मीनिंग, डिस्कस इन पेयर्स एंड फाइंड सिमिलर कोट्स दैट ब्रिंग इन द सेम मीनिंग। मतलब को पहचानिए, आपस में बहस कीजिए और इसी तरह के और अकवाल तलाश कीजिए जो इसी मानी में बोले जाते हैं। इस कोट का मतलब है, टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू हैव टू मेक एन एफर्ट, इफ यू डोंट पुट इन द एफर्ट नथिंग विल बी अचीव्ड। रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट का क्या मतलब है? ये है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बिना जद्दोजहद के या बिना मेहनत के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए हमें लगन और मेहनत से काम करना होगा। अब इस तरीके के और कोट्स देखते हैं। यू रीप एज यू सो, जो बोओगे वही काटोगे। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जो डालोगे वही निकालोगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे कूड़ा ही निकलेगा। Where there is a will, there is a way, जहां चाह है वही राह है। What goes around, comes around, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। Drafting a speech, discuss in groups each block and make notes of it, तकरीर का खाका तैयार करते हुए आपस में बहस या मशवरा कीजिए और हर एक खाके पर नोट्स तैयार कीजिए। हाउ कैन आई ड्राफ्ट एन इम्प्रेसिव स्पीच, एक असर अंदाज तकरीर कैसे बनाई जाती है? अच्छी तकरीर बनाने के लिए हमें इन नुकात का ध्यान रखना होगा।
What should be the size or length of the speech? तकरीर कितनी बड़ी या लंबी होगी? तकरीर कितने सत्रों में यानी लाइंस पर मुश्तमिल होगी? Do I know the format? तकरीर की तर्तीब कैसी होनी चाहिए? How to start? तकरीर को कैसे शुरू करना है या तकरीर का आगाज किस तरह करना है? What to write? क्या क्या लिखना है? How to bring quality in my speech? तकरीर में खूबी कैसे पैदा करनी है? तकरीर को बेहतर कैसे बनाना है? What are the relevant thoughts or slogans or maxims? तकरीर के मौजू से ताल्लुक रखने वाले सोच, इसमें किन मकूलों या नारों का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए? Which are the most important elements to be included? किन जरूरी नुकात को तकरीर में शामिल किया जाए? What is the systematic overall procedure to justify an impressive speech? एक मुतासिर कुन तकरीर में अपनी बात को लोगों के सामने रखने का सही तरीका क्या है? Speech development. तकरीर को बेहतर कैसे बनाया जाए? Content. तकरीर में इन नुकात का ख्याल रखा जाए. Greeting and introduction of the topic. खैर मकदम करना, सलाम करना और तकरीर के मौजू का तारुफ कराना. Exposition of main theme, clarity of message, organized thoughts and ideas. तकरीर में असल मौजू का खुलासा, वाजे पैगाम, पुर असर सोच और ख्यालात का होना. Moral and practical applications with examples. तजुर्बाती और सबक आमोज मिसालें देना. Conclusion. तकरीर का बेहतरीन इख्तिताम करना. यानी तकरीर में हम जिन चीजों पर बात कर रहे हैं उसके बारे में आपकी राय या नतीजा पेश करना. तकरीर का मफहूम कम अल्फाजों में बयान करना. स्पीकिंग प्रेजेंटेशन. तकरीर का प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आपकी ऑडियंस के सामने. वर्बल क्लैरिटी, प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन. लफ्जी वजाहत, प्रोनंसिएशन यानी तलफ्फुज की सही तलफ्फुज करना. वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन. मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन मतलब जब हम तकरीर करते हैं तो कभी कभार हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? हमारे लफ्ज़ों पर और पैगाम पर मुनहसर होती हैं. प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग स्टाइल, मैनरिज्म, ऑडियंस आई कॉन्टैक्ट, एबिलिटी टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड. तकरीर करने का तरीका, आपके आदाब, सामीन की आंखों से राबता, सामीन यानी जो हमारे ऑडियंस हैं, सामीन को मशगूल रखने की सलाहियत. कॉन्फिडेंस, जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, स्टेज करेज. एतमाद, आप किस तरीके के इशारे इस्तेमाल करते हैं, तासीरात इस्तेमाल करते हैं, स्टेज पर खड़े होने की आपकी हिम्मत. यूजफुल फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी, मुफीद जुमले और अल्फाज का इस्तेमाल. इट्स प्लेजर टू सी यू ऑल, आई एम हैप्पी टू सी यू टुडे, इट्स गुड टू सी यू ऑल हेयर. जब हम तकरीर की शुरुआत करते हैं तब कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमें मिसाल दी गई है, जैसे आप सबको देखकर खुशी हुई, आप सबको देखकर अच्छा लगा. टुडेज टॉपिक इज, माई टॉक इज अबाउट, माई टॉपिक इज. जब आप आपकी तकरीर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपकी तकरीर किस चीज़ के बारे में है, तब आप कहेंगे टुडेज टॉपिक इज, जैसे कि मेरे तकरीर का आज का जो मौजू है या मैं आज इस मौजू पे बात करने वाली हूँ वगैरह. द पर्पस और एम ऑफ द स्पीच, आपकी तकरीर का मकसद क्या है. आई विल फोकस ऑन 1, 2, 3 मेजर इश्यूज के आप पहले से आपकी जो ऑडियंस है उसे बताइए कि आप कौन से मसलों पर बात करने वाले हैं, कितने टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी. तो जब हम हमारा स्पीच या हमारी तकरीर को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तब हमें हमारे ऑडियंस से पूछना चाहिए कि क्या आपके पास कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ उसे पूछिए वगैरह. डूज एंड डोंट्स फॉर डिलीवरिंग अ स्पीच, एड सम मोर पॉइंट्स. तकरीर अदा करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों से परहेज करना चाहिए, मज़ीद और नुकात शामिल कीजिए. पहले हम डूज देखते हैं, यानी वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए. टॉक स्लोली, आहिस्ता बोलिए.
यहाँ आहिस्ता बोलने से मतलब धीरे बोलिए नहीं है, बल्कि साफ बोलिए, ताकि आपको सुनने वाले आपके हर एक लफ्ज को बारीकी से सुन पाए। एम्फसाइज कीवर्ड्स, अहम अल्फाज पर जोर दें। बी कॉन्फिडेंट, पुरअतमाद रहें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आपकी ऑडियंस से आंखों का राबता बरकरार रखिए। रिमेन चेयरफुल, खुश मिजाज रहिए। गिव एग्जाम्पल्स, अलग अलग मिसालें दीजिए जिससे लोगों को आपकी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। बी पोलाइट, खुश इखलाकी से पेश आइए। अब हम डोंट्स देखते हैं, यानी वो चीज़ें जो हमें स्पीच देखते वक्त नहीं करनी चाहिए। डोंट मम्बल, मम्बल यानी इस ऐसे तरीके से बोलना जैसे आपकी आवाज़ जो है वो दबी हुई हो, या जो आपके लफ्ज़ हैं वो किसी को समझ में ना आ रहे हों। ऐसा इंसान जब करता है जब वो घबरा जाता है, तो हमें ऐसी आवाज़ में बात नहीं करनी है कि सामने वाले को समझ में ना आए। डोंट लुक अप और डाउन, अगर हम स्पीच देते वक्त ऊपर नीचे देखेंगे, हमारी नज़रें यहाँ वहाँ होंगी, तो जो हमारी ऑडियंस है वो हमसे रिश्ता नहीं बना पाएगी और हम हमारी जो बात है उन तक नहीं पहुँचा पाएंगे। डोंट बी नर्वस, घबराइए मत। डोंट फर्गेट, आपको जो आप जो बात करने के लिए आप वहाँ पर खड़े हैं, आपको वो भूलना नहीं है, आपको फोकस्ड रहना है। डोंट टॉक टू लॉन्ग, स्पीच ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, वरना ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है। डोंट रिपीट थिंग्स, बातों को बार बार दोहराना सही नहीं है। डोंट बी रेस्टलेस, बेचैन ना हो, परेशान होकर तकरीर ना करें। You are going to participate in an inter-school elocution competition. The subject given to you is how to achieve success in life. Draft a speech to present it in the competition. आप एक इंटर-स्कूल तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहे हो। इंटर-स्कूल यानी कई सारी स्कूल्स हैं, उनके बीच में मुकाबला होगा। आपको दिया गया मौजू है जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। मुकाबले में पेश करने के लिए तकरीर का ढांचा तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप ये तकरीर लिख सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस यानी मुनासिब रहनुमाई हासिल करें। डेडिकेशन, लगन, मेहनत से काम करें। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोगों की मिसालें दें। पैशन, कामयाबी को हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। सैक्रिफाइस, कुर्बानी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने वाला जज्बा। सेटिंग गोल, सेटिंग गोल हदफ या मकसद को तय करें। प्लानिंग, मनसूबाबंदी, मकसद को हासिल करने की सही मनसूबाबंदी करना चाहिए। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, इल्म और मालूमात हासिल करना चाहिए। कॉन्फिडेंस, एतमाद होना ज़रूरी है। हार्ड वर्क, मेहनत करना। परसेवरेंस, इस्तकामात, सब्र से काम लें। इस स्पीच का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क, योर गोल दिस ईयर इज टू सक्सेसफुली पास आउट फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल, सो लेट अस बी स्मार्ट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। आपका इस साल का प्रोजेक्ट है कि मौजूदा साल का आपका हदफ है कि सेकेंडरी स्कूल में कामयाबी हासिल करना, तो आपको आपके स्मार्ट गोल्स का इस्तेमाल करते हुए आपका चार्ट बनाना है, आपका गोल सेट करना है। यहाँ पर आपको कुछ हेल्प दी गई है और उन पॉइंट्स की मदद से आप आपका गोल सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया, तो यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया में क्या दिया है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं, आप कितने यूनिट्स या कितने लेसन्स, कितने सबक करना चाहते हैं, आपको एक चार्ट बनाना है। तो जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ मिसाल के तौर पर दिया है कि इंग्लिश में 4 यूनिट्स, उर्दू में 5 यूनिट वगैरह वगैरह। मेजरेबल, कंपेरिजन ऑफ स्कोर्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड इन रिसेंट वन। अपने आप को चेक में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पिछले टेस्ट में और करंट टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपको क्या ग्रेड मिला है, आप उससे कंपेरिजन करिए तो आपको पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया है या नहीं। अचीवेबल गोल, इसी तरह आपको सेट करना है कि
अब मैंने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो अगले टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, जो भी हकीकत है उसके हिसाब से आप आपका गोल सेट करिए। रियलिस्टिक अप्रोच, प्लान ऑफ एक्शन दैट मैचेस विथ योर एक्सपर्टीज और रिसोर्सेस, यानी हकीकत पसंद आना नुक्ते नजर। काम का ऐसा मंसूबा बनाइए जो आपकी महारत और वसैल से मेल खाता हो। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ स्टडी टाइम टेबल एंड फॉलो इट रेगुलरली। मिसाल के तौर पर पढ़ाई करने का एक टाइम टेबल बनाइए, वक्त मुकर्रर कीजिए और उस पर रोजाना अमल कीजिए। टाइम बाउंड एक्शन, डेज रिक्वायर्ड फॉर रिविजन, कि टाइम भी तय होना चाहिए, राइट, कि हमें हमारा जो गोल है वो कितने टाइम में हासिल करना है। तो इसी तरह से आप जब टाइम टेबल बनाते हैं या आपका प्लान बनाते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं इतने दिन रिविजन के लिए दूंगा, कि 5 दिन, 7 दिन वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।